देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो एंड एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इज कंटिन्यू इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। ये बोल रहा है कि ये फंक्शन दिया हुआ है और ये फंक्शन ना सारे जगह पे कंटिन्यूअस है। तो अब देखिए कि ये इसको पहले समझिए कि सारे जगह बोल रहा है कंटिन्यूअस है और इसको हमें प्रूव करना है। प्रूफ करना है पॉइंट देखा कंटिन्यूटी के लिए हमें जीरो दिया हुआ है किसी पे मैं प्रूफ करके बता दूँ कि फंक्शन ना जब एक जगह पे कंटिन्यूअस अगर इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा तो सारे जगह पे ये कंटिन्यूअस होगा। तब उसी को समझिए कि पहले ये देखिए साइन एक्स क्या है अपना ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और हमने पहले ही बता रखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शन। ये आइडेंटिटी फंक्शन है ये भी कंटिन्यूअस है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है विद डिग्री वन तो ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है। जब ये भी कंटिन्यूअस है ये भी कंटिन्यूअस है तो आपको हमने एक फंक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी बताया था कि इफ टू फंक्शन आर एच एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन है एच एक्स अपॉन जी एक्स आर इन कंटिन्यूअस देन इट विल बी इन कंटिन्यूअस इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था ना आपको कि अगर एच और जी दो फंक्शन हो और एच अपॉन जी एच एक्स अपॉन जी एक्स हो तो वो फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा बशर्ते एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और पॉलिनोमियल का आपको पता है कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर इन कंटिन्यूअस फंक्शन। तो देखिए इसको कैसे करेंगे ठीक है। वी नो दैट थोड़ी सी लैंग्वेज वी नो दैट साइन एक्स एंड द आइडेंटिटी फंक्शन x is continuous functions then the quotient of sine x upon x is also कंटिन्यूअस फंक्शन ठीक है। साइन एक्स कंटिन्यूअस है ऑलरेडी कह रहा है और एक्स भी ये कंटिन्यूअस है ये कह रहा है तो दोनों को ये कोसेंट जो इसका भागफल जो आएगा सेस रिमाइंडर वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा ठीक है। ये तो इसके लिए हो गया। अब देखिए एंड इफ एक्स प्लस वन इज ऑल्सो is a polynomial function with degree 1 is continuous function ठीक है। सारे फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है अगर हम जीरो पे चेक कर ले कि इसकी कंटिन्यूटी को कि हम जीरो पे अगर हम चेक कर लेते हैं अगर जीरो पे कंटिन्यूअस सारे जगह पे कंटिन्यूअस क्योंकि पहले से ऑलरेडी बोला है कि कंटिन्यूअस है ही तो एक पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट पे हमें चेक करना है कि अगर इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो और सब जगह पे भी ये कंटिन्यूअस होगा ठीक है। तो अब हम चेक कर रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे एलएचएल साइड देख लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब देखिए एक से छोटा है तो फंक्शन क्या है साइन एक्स अपॉन एक्स के जगह पे माइनस एच अपॉन माइनस एच और आपको पता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच होगा। और ये भी आपको पता है कि अगर लिमिट थीटा टेंस टू जीरो और साइन थीटा अपॉन थीटा हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी वन होगी। तो अपना एल एच एल कितना आ गया वन आ गया। अब आर एच एल देख लेते हैं इसका
लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो। फंक्शन जब x जीरो से बड़ा है तो क्या है x प्लस वन, तो x की जगह पे h प्लस वन होगा, यही है। अब अगर h टेंस टू जीरो करेंगे तो ये टर्म जीरो आ जाएगा, तो इक्वल टू क्या होगा वन हो जाएगा, ये अपना आर एच एल आ गया। और फंक्शन जीरो पे क्या है x की वैल्यू जीरो रखेंगे प्लस वन इक्वल टू वन है एफ जीरो पे भी। अब देखिए कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हमें क्या था, पता है कि एल एच एल आर एच एल के इक्वल होना चाहिए था और फंक्शन एट गिवन पॉइंट पे भी इक्वल होना चाहिए। मीन्स एल एच एल है इक्वल आर एच एल के और आर एच एल है इक्वल एफ जीरो के, ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। थस गिवन फंक्शन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू जीरो, हिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, थैंक यू।